अच्छा, उनको इससे बेहतर चोट और क्या मिल सकती है जो इस बार मिली है। और इसी वजह से अब यहाँ के बच्चे भी अच्छी सुकून की जिंदगी बिता सकते हैं। अरे इस घर के बच्चे तो पहले ही सुकून की जिंदगी जी रहे हैं, कोई शक है? ये भी कोई जीना है सरकार, कभी किसी की मदद के लिए मारा मारी, वो अनपढ़ा के लोगों को नीचे दिखाने के लिए कभी खून खराबा, ये क्या जिंदगी है? मेरे कहने का मतलब है कि उन्हें भी एक अच्छी खासी जिंदगी अब बितानी चाहिए ना? नहीं। ओ, क्या अभी भी आपको अनपढ़ा वालों के लिए जिद है? 20 साल हो गए अब तो, इन सब पुरानी बातों को भुलाकर ये लड़ाई झगड़े अब खत्म कर देने चाहिए। ये धधक, ये आग कब तक जिंदा रहेगी? रहेगी वकील, रहेगी। क्या मैं वो सब भूल जाऊं? लकड़ियां जलकर राख हो जाती हैं, लेकिन चूल्हे में उनकी तपन बनी रहती है। क्या वाकई में मुझे सब भूल जाना चाहिए? क्या क्या भुला दूं मैं? बोल बोल ना। मेरी पार्वती, इस घर की देवी, मेरी इन्हीं आंखों के सामने इसी आंगन में वार खाकर गिरी थी, और आखिर में उसने मेरी इन्हीं बाहों में दम तोड़ दिया। भुला दूं? 14 साल में जेल में रहा, पत्थर मन ने पत्थर तोड़ते हुए इतने साल गुजार दिए, क्या ये सब भुला दूं? अबे तूने कहा कि मेरे बच्चों को सुकून की जिंदगी जीनी चाहिए, क्यों नहीं है उनकी जिंदगी ऐसी? क्यों बलराम ने शादी नहीं की? क्यों मेरे किशन और शक्ति ने शादी नहीं की? जय के पैदा होने के बाद इस घर में एक नन्हा सा पंछी तक नहीं चहका, दूध भीगे होंठों की हंसी देखने को तरस गया मैं। बोलो क्यों, बोलो ना। ये सारी बातें अंगार चंद नहीं भुला सकता, कभी भी नहीं। खाल में धसी फांस नहीं, मन में धसी फांस है ये। मेरी चिता तभी शांत होगी जब उस मां और बच्चों की लपटें देख लेगी। अगर अंदर का दर्द बोल सकता तो अंगारा का हर जख्म एक किताब होता।